हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत फिर तो आप सभी का, गाइस वेलकम। सो आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी है, कैसे जी रहे हैं वो पर्सन आपके बिना, आपकी अब्सेंस में कैसे रह रहे हैं वो पर्सन। तो चलिए देखते हैं। सेपरेशन वालों के लिए है ये रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। काफ़ी दिन हो गया आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, या अभी अभी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जो भी हो आपका सिचुएशन। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन कैसे जी रहे हैं आपके बिना, कैसे हैं, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस एक कलेक्टिव टाइम वेस्ट जनरल रीडिंग है, आप चाहो तो मैं पिक अ कार्ड भी रीडिंग लेकर आऊँगी। बताना अगर पी का कार्ड रीडिंग चाहिए तो कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैसे जी रहे हैं वो पर्सन आपके बिना, कैसे हैं। आप सभी के लिए, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है, कोई सेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबके लिए है ये रीडिंग। कैसे जी रहे हैं वो पर्सन आपके बिना, क्या है उनकी एनर्जी। हाई प्रेस्टेज, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, और अब इस पर्सन को सही और बुरे का फर्क पता है। मिस्टीरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। ये पर्सन दूसरों से ना बात जानना काफ़ी अच्छे से जानते हैं, यानी कि कुछ बात उगलवाना जो लोग छिपा रहे हैं, ठीक है, किसी से बात कहलवाना काफ़ी अच्छे से जानते हैं, पर ये आसानी से किसी और से नहीं खुलने वाले, ओके। कोई कितना भी कोशिश कर ले इनके मन की बात जानने की, पर ये पर्सन आसानी से किसी को अपनी मन की बातें नहीं कहते। ये मिस्टीरियस टाइप के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यस मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनको अच्छे और बुरे का फर्क पता है, इनको पता है कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या नहीं है, और देखते हैं क्या है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। वैसे तो ये पर्सन मुझे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देंगे आपको कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसे जी रहे हैं आपके बिना, पर मैं आपको बता दूँ, याद आपको पक्का से करते हैं, ओके। कैंसर हो सकते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं आप, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, जो भी हो, पर आप इनके नज़रों में होते हो, हमेशा रहते हो, ये पर्सन हमेशा आपको वॉच करते हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको फील करते हैं, ओके, पर बिल्कुल नहीं जताते, बिल्कुल भी नहीं आपको एहसास होने देते कि आपको याद करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें मिला है, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं कि आपके लाइफ में आ जाया जाए, आपके लाइफ में चला जाया जाए, आपको बताया जाए कि ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, और कोई थर्ड पार्टी इनको आपसे दूर रहने के लिए नहीं कह सकता, नहीं रोक सकता इनको आपके पास आने को, पर ये पर्सन रुक जाते हैं, दुनियादारी की फिक्र करने लगते हैं, अच्छा बुरा, या अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो क्या होगा, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो क्या होने वाला है, आउटकम को लेकर ना थोड़े से पर्सन स्टेप बैक ले लेते हैं। इनका ना दो माइंड सेट चलता है, कभी कभी सोचते हैं कि यार उसके पास चला जाता हूँ, चले जाती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ, करती हूँ, मुझे उसके तरफ जाना है, देखते हैं जो होगा वो होगा, पर मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ मेरे हक में होगा या हमारे हक में होगा। पर कभी कभी ना आपके पर्सन सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ, उससे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो क्या होगा, क्या वो मुझे अपने लाइफ में आने देगी, अलाउ करेगी या करेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ में आ तो जाए, आपको अनब्लॉक तो कर दे, आपसे बातचीत तो करे,
पर क्या आप इनसे बातचीत करोगे, क्या आप अपने लाइफ में इनको अलाउ करोगे, ये ऐसा सोचने लगते हैं। कहीं आपने इनको भगा दिया तो इनका तो हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये पर्सन सोचते हैं, हमेशा आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं। यस, कुछ लोग ने मुझे एनर्जी मिल रहा है। और देखते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में ना आपके अलावा कोई और नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अभी भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, या उस समय मैच्योर रहे हैं जब ये पर्सन आपसे दूर गए, आपसे दूर हुए, आप दोनों का सेपरेशन हुआ, या अभी भी मैच्योर हो सकते हैं। पर ये पर्सन मुझे ट्रू दिखाई दे रहे हैं, इनोसेंट दिखाई दे रहे हैं, सही लग रहे हैं, ऑनेस्ट लग रहे हैं, लॉयल लग रहे हैं आपके लिए, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर, जॉय लेकर ही लौट रहे हैं, लव लेकर ही लौट रहे हैं, ऑनेस्टी लॉयल लेकर ही लौट रहे हैं। और कुछ लोग ले, यस, इनके लाइफ में कोई और है, जैसे कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेज का कार्ड आया है, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन स्टेप बैक ले लेते हैं, खुद को आपके पास आने से या आपसे बातचीत करने से रोक लेते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और अगर आपने भी ना कह दिया और उनको भी पता चल गया, तब तो इनका हो गया ना। पर इनके एनर्जी ऐसा भी है कि ये पर्सन सीक्रेट कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो आपके लाइफ में कोई और है, आपकी शादी किसी और से हो गई है, या इनकी शादी कहीं और हो गई है, तो सीक्रेट अफेयर चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, सीक्रेट रखना चाहते हैं आपको, ठीक है। या गाइस, आपसे कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं ये पर्सन, अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो। सो यह एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए आप, ठीक है। ये एरिस हो सकते हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पैशिस है, और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है। और देखते हैं कैसे जी रहे हैं आपके बिना, किस हाल में हैं। एस ऑफ कप्स, क्या बात है, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या कहा था मैंने, ये शुरुआत तो आपके साथ चाहते हैं, लवर्स का कार्ड मुझे मिला है, वाओ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट नीचे जस्टिस, इसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। गाइस, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच अनगिनत है, एक या दो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है आपकी लव लाइफ में, लोगों का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा है। तो हाँ, मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, चाहते तो हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, जैसे कि एक कार्ड आया एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, लव ऑफर आपको देना चाहते हैं, पर कोई तो अगेंस्ट है, कोई तो अगेंस्ट है आपके कनेक्शन के, कोई तो अगेंस्ट है, कोई है जो कि इनको रोक रहा है आपके पास आने से। और उस पर्सन को डेफिनेटली पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, और इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, और आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन। लवर्स की एनर्जी मिला है हमें यहाँ पर, तो सोलमेट हो सकते हो आप लोग, या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो, वहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, या तो सोलमेट है ये पर्सन, और आप दोनों ही दूसरे के लिए लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। और अगर ऐसा है ना, अगर आप दोनों ही दूसरे के लिए इस एनर्जी में हो,
तो गाइस एक नई शुरुआत बहुत जल्द होगा आप दोनों के बीच, और कोई भी आपके पर्सन को अब रोक नहीं पाएगा या नहीं पाएगी। आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द होगा, और कुछ लोग के लिए मनी भी हो सकता है। देखिए इनके लाइफ में ना थोड़ा सा मनी इशू दिखाई दे रहा है मुझे, कैरियर को लेकर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, पैसों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, या तो आपके पर्सन प्रमोशन चाहते हैं, कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं पर हो नहीं रहा है, तो इनका कैरियर भी कुछ खास सही नहीं चल रहा है। कुछ लोग ने ये हो सकता है कि आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पर जैसा आउटकम आपके पर्सन चाहते हैं वैसा इनको नहीं मिला है अभी तक। और आपके पर्सन ना जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोगों का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा है आपके कनेक्शन में, तो इनका एनर्जी ऐसा होता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत सारे लोग हैं इनको रोकने के लिए, सबसे लड़ाई झगड़ा करके इनको आपकी ओर आना होगा। तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट है आपके कनेक्शन के, और दूसरी तरफ इनको ये भी फियर है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आप कहीं रिजेक्ट कर दोगे तो ये तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ये इनकी एनर्जी है, पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं ये पर्सन। कुछ लोग के लिए अगर ये चीटर हैं तो थोड़े से फियर में हैं, डरे हुए हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा सुनाओगे, भगा दोगे कि इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी थी, तो थोड़ा सा इसका भी इनको डर है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यस ये पर्सन थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, तो राइट नाउ इनकी एनर्जी ये भी है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड ऑफर चाहिए, और ये कुछ बड़ा आपको ऑफर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, इस वजह से भी आपकी पर्सन रुके हुए हैं, ये भी एक वजह है, वजह हो सकता है आप दोनों के सेपरेशन का या नो कॉन्टैक्ट का। पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों के बीच बातचीत होने वाला है, या तो ये पर्सन कहीं से आ रहे हैं, आपसे मिलने को भी आ सकते हैं। आपके बारे में क्या सोचते हैं ये पर्सन, क्या सोचते हैं आपके बारे में? यहाँ पर ऑल साइंस आ चुके हैं, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और एरिस लियो सजिटेरियस भी है। क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में? मास्टर, क्या बात है, इनर वॉइस, दो दो बार आया है ये कार्ड, ठीक है, हाई प्रिस्टेज का कार्ड दो दो बार आया है। तो आपके पर्सन ना आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं, इनको ऐसा फील होता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस करने लगते हैं कि ये चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस आपको, आपके साथ एक अलग दुनिया बस आया जाए, ठीक है, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो, जहाँ पर कोई ऐसे लोग ना हो जो आपके कनेक्शन के अगेंस्ट हैं या तो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। मास्टर और इनर वॉइस आया यहाँ पर, तो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा का सुन रहे हैं। कुछ लोग ले आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में, आप मैच्योरिटी के साथ लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। अब उनको पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है, और क्या करना है, किस वक्त करना है, इनको पता है। ये कार्ड्स मैंने इसलिए निकाला है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन सोचते हैं, मैरिज सोचते हैं, यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एटलीस्ट फ्रेंडशिप चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा कॉन्टैक्ट में रहो। और इनका ये भी एनर्जी होता है कुछ लोग ले कि सब कुछ बैलेंस करना, जो भी थर्ड पार्टी है, आप
सब कुछ बैलेंस बनाकर चलना, सब कुछ सही करना, पर आपको भी ये पर्सन अपने लाइफ में चाहते हैं, किसी और को भी हर्ट नहीं करना है इनको, ये एनर्जी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। और यहाँ पर एक सोशन आया है, ये पर्सन आप थक चुके हैं, ठीक है, अपने लाइफ से या दिखा कर ऐसे कि बिल्कुल कूल है ये, किसी चीज़ के लिए फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बिल्कुल ठीक है लाइफ में, सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ सही है, ये पर्सन थक चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों के बीच बातचीत होती थी तो अपना हर प्रॉब्लम्स या हर बात ये पर्सन आपसे शेयर करते थे, ठीक है, कि इनका दिन कैसा गया, ये पर्सन हर चीज़ें शेयर करते थे, और अब शेयर करने के लिए इनके पास कोई भी नहीं है, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनके पास कोई भी नहीं है, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको सही एडवाइस देने के लिए इनके पास कोई नहीं है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं ये पर्सन। सो ये सब सोचते हैं आपके बारे में। इनका मैसेजेस देखें, क्या क्या कहना चाहते हैं आपसे, इनका लव मैसेजेस क्या है। ओके गाइस, देखते हैं क्या कहना है इनको आपसे। तो इनका पहला मैसेज है, माय रियली स्माइल कम्स आउट व्हेन आई एम विथ यू। जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं इनके फेस पर रियली स्माइल होती है। नेक्स्ट मैसेज है इनका, यू आर माय लाइफ, यू आर माय होप्स, यू आर माय इंस्पिरेशन, यू आर माय एवरीथिंग। यू टच माय हार्ट, यू टच माय सोल, यू चेंज माय लाइफ एंड ऑल माय गोल्स। तो आपने इस पर्सन के हार्ट को टच किया है, इनके सोल को टच किया है, और आपने ना बिल्कुल इनके लाइफ को चेंज कर दिया है, इनके गोल को चेंज कर दिया है। अगला मैसेज है, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन देन यू डोंट लूज पीपल हु लिव दे लूज यू। अगर आप एक गुड पर्सन हो, सही पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो, तो आपने उनको बिल्कुल भी नहीं खोया है जिन्होंने आपको छोड़कर चले गए थे, जो आपको छोड़कर चले गए उस पर्सन ने आपको खोया है, ठीक है, आपने किसी को नहीं खोया है। अगर कोई आपको छोड़कर चले गए, बीच मझधार पर छोड़कर चले गए, आपको हर्ट पहुंचा कर चले गए, पेन देकर चले गए, तो आपने किसी को नहीं खोया है, ओके। आप एक गुड पर्सन हो, सही पर्सन हो, उन्होंने आपको खोया है। अगला मैसेज है, अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम ट्रस्ट करोगी या करोगे आप? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। आपके कमिटमेंट और टाइम की इनको ज़रूरत है। तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो या करते हो, पर तुमसे बेहतर पार्टनर मुझे कोई नहीं मिल सकता। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो आप तुरंत देख पाओ। और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वीडियो पर भी आ रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, और डेफिनेटली मैं दुआ करती हूँ यूनिवर्स से कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है, ट्रू है, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, आप दोनों की खुशी एक दूसरे में है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच जल्दी सॉल्व हो जाए और आपकी यूनियन हो जाए। तो बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।